केवल इसलिए दोबारा मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि अभी मेरी जानकारी में आया है, माननीय विधायक जी, जिन लोगों को परेशान अब तक किया है और जिनकी मैंने वीडियो के माध्यम से, पीसी के माध्यम से जो सारी सच्चाई उजागर की है, उन लोगों को बुला बुला के लालच में कुछ को जिस तरह की उनकी आदत है उस तरीके से बुला बुला के और उनसे कह रहे हैं कि भाई इस तरह से ये बात आ गई है, मैं आपको पंचायत में क्या काम चाहते हैं वो काम दूंगा, परेशान नहीं करूंगा, लेकिन आप आके और ये कहें कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी विधायक जी ने कोई विरोध नहीं किया है, न वोट मांगने आए हैं, जबकि सच्चाई किसी भी व्यक्ति से छुपी नहीं है। और इनको बुला बुला के सभी पीड़ित लोगों को, चाहे जिन लोगों की मैंने बताए हैं जिनको परेशान किया है, झूठे केस लगाए हैं, चाहे जनप्रतिनिधियों के बारे में जो भी मैंने चर्चा की है, उन सबको बुला बुला के अपना चेहरा साफ करने के लिए कि भाई ये अपील करो आप जनता के बीच में कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम विधायक जी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, ना चुनाव में प्रचार करने आए, ना हमारे विरोध में है। तो जनता जनार्दन से कहना चाहता हूँ मैं कि सच्चाई कोई छुपती है क्या? अब किसी मजबूरी बस बेचारे आ भी जाएँ और ये बात कह भी दें आके कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये सच्चाई तो नहीं है, सच्चाई तो जनता के बीच में आ चुकी है। अब ये यूं चाहें कि जो कालिक मेरे पे लग चुकी है, जो मेरे कृत्य हैं वो उजागर हो गए हैं, अब उन व्यक्तियों को किसी लालच में या अपने ठाकुरशाही तरीके से आके और प्रेशर बना के इनसे ये वक्तव्य तो दिलवा दूँ तो दिलवा सकते हैं, लेकिन सच्चाई अपनी जगह है, यही अपील करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।